गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सेवेंथ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका लेसन 3 चल रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आपको जानना है कि क्या आपको किस तरह से हार्ट का आपको ब्लड के बारे में बताया, फिर हार्ट के बारे में क्लियर किया. अब आपको उसमें आगे चलेंगे, आप पढ़ रहे हैं हार्ट बीट आपने जानी, पल्स रेट जाना, हार्ट रेट जाना. अब आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. इन प्लांट्स. अब सब्सटेंसेस इन प्लांट्स के बारे में आपको जानना है, किस तरीके से आप इनके बारे में समझ सकते हैं. इसमें आपका है ऑस्मोसिस टर्म. नेक्स्ट आपने ये तो पढ़ लिया कि जाइलम का क्या होता है वर्क, जाइलम क्या करता है, जाइलम का क्या वर्क होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जाइलम का क्या का इसमें फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में क्या पढ़ लिया. तो आप इसके अंदर जान सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन करिए. वाटर इज एब्जॉर्ब. वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द रूट्स. वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द रूट्स ऑफ प्लांट. ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉयल. फ्रॉम द सॉयल by a process called osmosis. तो ये आपका बहुत ज़रूरी जानना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है osmosis. तो osmosis is क्या प्रोसेस है ये. वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द रूट्स. रूट्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉयल से, तो यानी वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉयल बाय ए प्रोसेस नेम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस आपका जो है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर आपको ये भी जानना जरूरी है कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन दिस प्रोसेस, आप लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस the movement of water from its region of higher concentration of lower concentration. higher concentration to a reason of lower concentration. लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, एक्रॉस ए सेमी. ये कैसे होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक्रॉस ए सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. membrane.
तो आप ऑस्मोसिस के अंदर ये, तो ऑस्मोसिस के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट फ्रॉम द सॉयल बाय द प्रोसेस नेम इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है तो इसके अंदर आप बता सकते हैं, इन दिस प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो आपकी अलाउ करती है केवल कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस को उससे जाने के लिए बाहर अंदर। तो ये आपका एक तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट ऑफ वाटर के अंदर पार्टिकल्स को कुछ को ही आने देती है और कुछ को ही जाने देती है, और इसका जो फ्लोएशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो इसमें आप जो है इम्पॉर्टेंट आप ये चीज़ें एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसका फंक्शन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का आप एक और वर्क किस तरह से बता सकते हैं। वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में अगर जानना है तो आप ये जान सकते हैं कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है अलाउ करती है पार्टिकल्स को, और इसी मेम्ब्रेन से होकर जो है मूवमेंट होता है वाटर का। तो एक तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि ए मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सर्टेन यानी कुछ है ना सर्टेन आयंस ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, अब प्लांट सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो यू सी सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डेट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर। The water and molecules are more on the outside of root layer of plant than inside. So water moves into the cell and enters the cell. तो ये आप बता सकते हैं कि ये पास करती है and the molecules are, इसके अंदर आप लिख सकते हैं और कि the water molecules are the water molecules The water molecules are more on the outside of the root hair of the plant than inside. Thus the water moves into the cell and enters the xylem. ये इस तरीके से जाइलम तक पहुंचता है इस मेम्ब्रेन से। देखिए कैसे इसके अंदर क्या है, तो ये प्रोसेस में एक बार फिर से देख लीजिए। ए मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सर्टेन आयंस ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। ये मेम्ब्रेन कुछ ही आयंस और मॉलिक्यूल को अपने अंदर से थ्रू पास करवाता है। इस मेम्ब्रेन से कुछ ही मॉलिक्यूल्स और कुछ ही आयंस जो है पास हो सकते हैं। एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट हेयर ऑफ द प्लांट देन इनसाइड। जब ये रूट्स हेयर जो उसकी प्लांट की रूट हेयर होती है जब सॉयल से वाटर को सक करती है
तो इस मेम्ब्रेन से ही वो आउटसाइड वाटर जो है इनसाइड होता है प्लांट्स के अंदर, एंड देन एंड दस द वाटर मूव्स इनटू द सेल एंड एंटर्स द जाइलम। इस तरीके से वो पहले सेल्स के अंदर मूव जाता है, सेल्स के अंदर आता है, फिर उसके बाद सेल्स के अंदर आने के बाद फिर वो जाइलम तक पहुंचता है। इसके बाद आपका एक छोटा सा प्रोसेस है विल्टिंग, फिर इसके बाद प्रोसेस आपका विल्टिंग है। तो व्हाट इज विल्टिंग, तो इसके बारे में भी देखिए। देन विल्टिंग क्या है, तो विल्टिंग के बारे में जानना है, तो आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट है विल्टिंग, तो आप इसके बारे में क्या लिखते हैं देखिए। अब एक्सेस जो वाटर होते हैं वो तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन से बाहर चले जाते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि ट्रांसपिरेशन से बाहर जाते हैं। देन विल्टिंग क्या प्रोसेस है ये आप जान लीजिए। विल्टिंग व्हाट इज विल्टिंग प्रोसेस, एक ट्रांसपिरेशन आपको पता ही, एक्सेस जो वाटर होते हैं इज रिमूव फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपलेट वाटर ड्रॉपलेट्स बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये आपको पता ही है। एंड इफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन बाय द रूट हेयर द लीव सिस्टम्स एंड फ्लावर ऑफ द प्लांट विल विल्ट। दिस प्रोसेस इज, यानी अगर ये विल्टिंग प्रोसेस क्या है देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं इफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन इज फास्टर देन द rate of water then the rate of water absorption by the root hairs the leaves, stems, and flowers of the plant will. This process is known as wilting. On temperature, wind, dry conditions also affects the rate of transpiration process. तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड द फ्लो आपका फ्लोएम के बारे में भी एक लाइन है, तो फ्लोएम के बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्या है फ्लोएम। फूड जो है, फूड को पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम पार्ट, वो एक ट्यूबलाइट टिश्यूज़ है और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। देन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों में डिफरेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्बिनेटिंग पार्ट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल्स, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक बार देख लीजिए क्या है विल्टिंग प्रोसेस, विल्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन बाय द रूट हेयर्स ऑफ द लीफ स्टेम्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट विल विल, यानी आपसे कह रहा है कि अगर ट्रांसपिरेशन का रेट जो है ज़्यादा हो जाए जितना एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि जितना पानी इसने एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा एक्सेस पानी निकल जाता है,
इफ़ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ फास्टर, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का रेट बढ़ जाए, जितना पानी एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा, देन द उस कंडीशंस के अंदर जो है रूट्स, हेयर्स और लीफ सिस्टम एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट विल विल्ट। तो ये आपका उस समय जो उसकी लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, जो आपकी यानी विल्ट होने लगती हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज विल्टिंग। तो इस कंडीशंस के अंदर आप बोलते हैं कि विल्टिंग हो गई, ये आपका विल्टिंग प्रोसेस के अंदर आपके जो प्लांट्स के ये सारे पार्ट हैं वो विल्ट हो जाते हैं। तो ये विल्टिंग प्रोसेस आपका होता है, इसको विल्टिंग प्रोसेस हम कहते हैं। टेम्परेचर, विंड्स एंड कंडीशंस एंड ऑल्सो एक्सेट्रा द अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फैक्टर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको एक लास्ट लाइन और जाननी है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। इसमें आप फ्लोएम के बारे में और जान लीजिए। अब इसमें और जानना है कि क्या है ट्रांसपिरेशन, तो आप इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स should also be distributed to all parts of the body of plant या plant। This process is known as translocation। Tube-like structure called phloem is very important part of plants, help in translocation process। तो ये दोनों को मिला के कहते हैं हैंस जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है आपने। फ्लोएम के बारे में एक कमेंट्स है जो आपको लिखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। द फूड प्लांट के अंदर आपने जाइलम के थ्रू आपने वाटर का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन से या वेपोराइजेशन, ट्रांसपिरेशन आप कैसे जाइलम के थ्रू करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, कैसे वो हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में, उसी तरीके से प्लांट के अंदर फूड का प्रोसेस कौन मेंटेन करता है, तो फूड को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो द फूड का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्ट पे, प्लांट के हर पार्ट तक फूड भी तो जाएगा जो लीव्स ने बनाया है, तो वो आपका करता है फ्लोएम, हेल्प करता है इसमें, एंड प्रोसेस इसका है ट्रांसलोकेशन। देन द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स, जो फूड प्रिपेयर किया है लीव्स ने, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्ट्स पे, प्लांट के हर पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। जैसे आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, तो फूड के लिए जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलोकेशन।
एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लोयम कहते हैं, वो जस्ट ट्यूब लाइक दिखता है, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन, वो उसका पूरा हेल्प होता है ट्रांसलोकेशन में, एक्चुअली वही फूड को डिस्ट्रीब्यूट कराता है प्लांट के हर पार्ट तक. सो जाइलम एंड फ्लोयम आर कॉम्बिनेटेड पार्ट, आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज. तो जाइलम और फ्लोयम को मिक्स करके हम वेस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज कह सकते हैं. तो इस तरीके से आपका ये इतना पार्ट कवरअप हुआ. अभी इसके अंदर आपका कुछ पॉइंट और है जिसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. ओके, बाय.